अर्चना नारी चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताती हूँ कि आपके वाइट कपड़े दूध के जैसे वाइट कैसे रहे, स्नो वाइट कैसे रहे। बहुत मुश्किल होता है वाइट कपड़ों को मेंटेन करना, चाहे बच्चों की यूनिफॉर्म होती है, चाहे हमारी लेगी पैंट होती है या जेंट्स की शर्ट होती है। तो देखिए ना, वाइट कपड़े कई बार ज़्यादा इस्तेमाल करने पर क्या होता है, उनमें पीलापन आ जाता है। तो कहीं पर टिनोपाल इस्तेमाल करते हैं, कहीं पर अलग अलग महंगे महंगे तरीके के सर्फ साबुन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये कपड़ों का पीलापन है ये जाता ही नहीं है। तो आज मैं आप लोगों के साथ इस तरह का आइडिया शेयर करूंगी जो मैं हमेशा इस्तेमाल करती हूँ। जब मेरे बच्चे छोटे थे तो भी मैं इसका इस्तेमाल करती थी, तो हमेशा यूनिफॉर्म एक तरह से चमकती रहती थी, वाइट यूनिफॉर्म, और मुझे भी वाइट कपड़े पहनने के कुछ ज़्यादा ही शौक़ होता है। तो देखिए, सबसे पहले एक मैंने टब लिया है जिसमें मैं हमेशा से अपने कपड़े वॉश करती हूँ। तो सबसे पहले 2 चम्मच मैंने वहाँ पे नमक ऐड किया है। अब मैं मीठा सोडा मैं ऐड करने जा रही हूँ, क्योंकि आज मैं उन्हीं कपड़ों का धो के दिखाऊंगी आपको जो ज़्यादातर जिनमें पीलापन आ गया है, उनका जो बिल्कुल सफ़ेदी एकदम से गायब सी हो गई है और मुझे देखने में अच्छे नहीं लग रहे थे, लेकिन कपड़े वैसे ठीक है। तो मैंने यहाँ पे मीठा सोडा और नमक इस्तेमाल किया है। अब इस डब्बे में मेरे पास रखी है फिट करी, एलम जिसे हम बोलते हैं, तो मैं ये इसको यहाँ पे डाल देती हूँ। जो छोटे छोटे टुकड़े थे वो उसके डाल दिए हैं। इससे क्या होगा, कपड़े आपके एकदम बिल्कुल वाइट चमक जाएंगे। इनको डाल दिया है। अब डालने के बाद हम यहाँ पे ऐड करेंगे पानी। ऐड करेंगे आप पानी, चाहे तो वार्म वाटर भी ले सकते हैं, नॉर्मल भी ले सकते हैं। और पानी ऐड करके अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे, क्योंकि ये 3 चीज़ें जो मिक्स करी है इनसे हमारे कपड़े में एकदम से सफ़ेदी आएंगी, तो बच्चे की यूनिफॉर्म भी एकदम स्कूल में सबसे अलग दिखेंगी। आपके भी जो वाइट कपड़े हैं, चाहे जेंट्स की बनियान है, वो भी एकदम वाइट रहेगी। अब यहाँ पे आप जो भी सर्फ घर में इस्तेमाल करते हो, डिटर्जेंट यूज करते हैं, आप वो इसमें डालिएगा और अच्छे से उसको हिला दीजिएगा। क्योंकि आप चाहे तो इस प्रोसेस को मशीन में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं कम कपड़े आपको करके दिखा रही हूँ, मैं हाथ से ही कर रही हूँ, क्योंकि मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमने ये जो चीज़ें मिलाई है ये बिना रगड़े भी साफ कर सकती है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने वाइट यहाँ पे वो कपड़े डाले हैं जिनके अंदर पीलापन था। अब मैं यहाँ पे शर्ट डाल देती हूँ, क्योंकि उन्हीं कपड़ों को मैं डाल रही हूँ जिनकी मुझे ज़्यादा सफ़ेदी ज़्यादा पसंद होती है। तो इनको हम पानी में डिप कर देंगे। पानी अगर हमें कम लगता है तो पानी हम वो डाल देंगे। अच्छे से इनको पानी में डिप करके 10 से 15 मिनट के लिए मैं छोड़ दे दूँ। आप चाहे तो आधे घंटे तक छोड़िएगा, लेकिन मैं बता दूँ आपको, जब भी आप सर्फ में कपड़े डालते हैं तो आधे घंटे से ज़्यादा कपड़ों को ना छोड़ें, ठीक है ना, क्योंकि कपड़ों की लाइफ पर बहुत फ़र्क पड़ता है। तो मैं सिर्फ यहाँ पे 15 से 20 मिनट तक कुछ और काम कर रही हूँ, तब तक मैं इनको छोड़ देती हूँ। अगर हो सके आपके घर पे धूप आती है तो आप इनको धूप में रखिएगा। तो मैंने देखिएगा, मैं 15 से 20 मिनट तक मैंने धूप में रख दिया था। अब देखिएगा, मैं इनको रगड़ के ऐसे धोती हूँ। तो जितने भी हमारी शर्ट होती है, उसके कॉलर होते हैं, कफ होते हैं, बनियान है, उनको हम बहुत अच्छे से रगड़ के धो लेंगे। और वैसे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि मैल इनका अपने आप ही देखिएगा, कॉलर से मैल छूट गया है, एकदम से मैल बिल्कुल क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। और शर्ट को हल्के हल्के आप लोग ऐसे रगड़ के धोएंगे तो देखिए, कफ है उनको रगड़ लीजिएगा। तो बिल्कुल धो के आप अच्छे से इनको निचोड़ के दूसरे बाल्टी के अंदर डाल दीजिएगा, क्योंकि फिर हम पानी से निकाल लेंगे। तो ऐसे करके हमें इस पूरे प्रोसेस को 2 बार करना है। आप अगर ज़्यादा कपड़े हैं तो आप मशीन में भी इस काम को कर सकते हैं। इस तरीके से देखिएगा, मैंने इन कपड़ों को इस पानी से निकाल कर इस पानी में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब इनको मैं 2 से 3 बार पानी को चेंज करूँगी, धोऊँगी। अब आप देख रहे हैं, 2 बार धोने के बाद ही क्या होता है कि इसका साबुन जल्दी निकल जाता है। वैसे आपने देखा होगा सर्फ जल्दी से निकलता नहीं है, लेकिन आप ये सारी चीज़ें डाल के हमने धोया तो जल्दी से सर्फ निकल जाता है। फिर मैं इस तरीके से इन कपड़ों को निचोड़ के सुखा देती हूँ। शर्ट जब भी सुखा
सुखाइए, आप हैंगर में सुखाइए, क्योंकि प्रेस करना बड़ा आसान होता है और कपड़े धोने के बाद आपको तह करके लगाने का एक झंझट ख़त्म हो जाता है। तो हमेशा मैं जितनी भी शर्ट ना हैंगर में करती हूँ फिर यूँ की अपने कबर्ड में लगा देती हूँ। बनियान आप देख रहे एकदम वाइट हो गई है, शर्ट वाइट हो गई है, जितने भी कपड़े धोए ना तो बिल्कुल दूध की तरह वाइट हो गए। और हाँ, जहाँ तक हो सके आप धूप में सुखाइए और ज़्यादा चमक आएगी। और उसके बाद धूप में सुखाने के बाद शाम के टाइम में इनको अंदर लेके आई हूँ। अब यों के यों मैं इनको लगा दूंगी शर्ट को, जब भी पहनना होगा तो इसको प्रेस हो जाएंगे, बाकी कपड़ों को फोल्ड करके रख देंगे। आपको ये आइडिया कैसा लगा? अगर आप भी वाइट कपड़े पहनना पसंद करते हैं, क्योंकि सादगी का निशानी बताई जाती है, वाइट कपड़े पहनते हैं ना तो माइंड को भी बड़ी शांति से मिलती है, तो ये आइडिया कैसा लगा आपको कमेंट्स करके बताइए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर